हाय गाइस एंड जय श्री राम। मेरी नई ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं सुबह से मेरे हस्बैंड चले गए थे, उसके बाद मैं हर दिन मेरे हस्बैंड चले जाने के बाद ही घर की सफाई करती हूँ, क्योंकि मुझे उस फ्री टाइम मिलता है और नहीं तो सुबह जल्दी जल्दी में घर का काम करना रह जाता है। उधर से वो बनाओ, रोटी बनाओ, उस हस्बैंड को भेजो, तो उसे इसलिए मैं उनको जाने के बाद अस्तरी से अपने घर की सफाई करती हूँ। तो मैं उसके हस्बैंड चले गए थे, मैं घर की सफाई कर रही थी सुबह से। आज कैसे उठी, काम करते करते समय कैसे चला गया पता ही नहीं चला। तो घर की सफाई करने के हर दिन, उसके बाद मैं अपने काम में लग गई। आप लोग के घर में आप लोग कब कैसे सफाई करते हो मेरे साथ शेयर कीजिएगा। तो मैं अपनी सफाई में जुट गई। उससे सफाई करते करते उस थोड़ी देर के बाद लंच का टाइम हो ही चुका था और मैं लंच की तैयारी में लग गई अपनी। आज मैंने लंच में बनाया था बंधा गोभी और मटर और गाजर की सब्जी बनाया था मिक्स करके, और दाल और राइस बनाई थी। तो मैं यहाँ पर उसे कटिंग कर रही थी। जल्दी थोड़ी देरी हो चुकी थी मेरी, तो मैं सोची था जल्दी जल्दी करूँ। तो कितना भी सुबह उठो और कितना भी काम जल्दी जल्दी करो, काम थोड़ा देरी हो ही जाता है, बट अपना काम मन लगा करते रहने से अच्छा भी लगता है, टाइम का पता नहीं चलता है। तो मैं भी काम में लगी हुई थी सुबह से और अपना काम में कर रही थी। तो मैंने मटर को छील रही थी, उसके जल्दी जल्दी करने के बाद मेरा सब्जी बन के बना। मैंने यहाँ पत्ता गोभी की सब्जी बन के मेरा रेडी हो चुका था, और उसके साथ मेरा दाल और पापड़ फ्राई और राइस मेरे बन के रेडी हो चुके थे। उसके बाद फिर से मैंने कपड़े जो धोए थे वो मैं उठा कर लेके, कभी सब हो जाता है तो कितनी राहत आती है। तो चले दूसरी काम की ओर। तो और मेरे यहाँ कपड़े धो के सुखाए हुए थे, तो मैंने उसको ला के फटाफट खाँच करके सब जगह में रख दिया, क्योंकि एक ही बार सब काम ख़त्म हो जाने से अच्छा लगता है, रिलैक्स फीलिंग आती है, क्योंकि सब सीजिल रहे तभी अच्छा लगता है दिखने में भी और अपने आप को भी अच्छा लगता है। तो मैं इसलिए सब काम एक ही बार में ख़त्म कर देती हूँ। आज की ब्लॉग में बस इतना ही।